नमस्कार, मैं हूँ कविता राणा। रिलायंस जियो के आने से भारत में एक तरह की टेलीकॉम क्रांति आ गई है। जियो के लॉन्च होने से जहां भारतीय टेलीकॉम कंपनी में प्राइस वॉर छिड़ गई, जिससे भारतीय सब्सक्राइबर्स को सस्ती सेवा मिलने लगी। अब इसी जियो की वजह से भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अमेरिका की फेमस मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने ग्लोबल थिंकर्स 2019 की लिस्ट में उन्हें शामिल किया है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी के अलावा अलीबाबा के संस्थापक जैक मा, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड शामिल है। 100 लोगों के ग्लोबल थिंकर्स की लिस्ट में से कुछ नामों का ऐलान मैगजीन ने अपनी वेबसाइट पर किया है, जबकि पूरी लिस्ट का ऐलान 22 जनवरी को किया जाएगा। मुकेश अंबानी की प्रोफाइल में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा है, 44.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी 2018 में जैक मा को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। तेल, गैस और खुदरा क्षेत्र में वर्चस्व से उन्होंने ये संपत्ति अर्जित की, लेकिन उम्मीद है कि दूरसंचार क्षेत्र की अपनी कंपनी जियो के जरिए वह भारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे। तो लॉन्च होने के बाद पहले 6 महीनों के लिए सेलुलर डेटा और वॉइस मुफ्त देकर अंबानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्मार्टफोन इंटरनेट क्रांति से जोड़ चुके हैं। अंबानी की योजना का अगला चरण डिजिटल हवाई तरंगों का उपयोग करते हुए कंटेंट और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बेचना है। इसके बाद गूगल और फेसबुक से कंपटीशन करना है। गौरतलब है कि 2019 में ग्लोबल थिंकर्स की लिस्ट को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पूरे होने पर मैगजीन ने इस लिस्ट को 10 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में टेक्नोलॉजी से जुड़ी टॉप 10 लोगों में जगह दी गई है।